आशापुरा माइन कैम 6 महीने में 3x हो चुका है। हमने स्टॉक को रिकमेंड किया था 103 के आसपास और फ्राइडे को इसने हाई लगाया था 305। अगर कोई स्टॉक 6 महीने में 3 गुना का रिटर्न देता है तो उसे हम एक फिनोमिनल रिटर्न मानते हैं। ऐसा रिटर्न बनाना किसी लार्ज कैप या मिड कैप में बहुत मुश्किल है, इवन अगर आप 2 साल भी वेट कर लें। इस चैनल को स्टार्ट करने के पीछे का मेरा मोटिव भी यही था कि बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि मार्केट में पैसा बनाना है तो आपको अच्छे स्टॉक लेने पड़ेंगे, लेकिन अच्छे स्टॉक का मतलब वो लार्ज कैप या मिड कैप ही मानते हैं, जो कि बिल्कुल गलत बात है। जितने भी बिग शॉट्स के नाम आप जानते हैं, जैसे झुंझुनवाला जी या आप किसी को भी जानते हैं, वो उन स्टॉक्स को तब लिए थे जब वो स्टॉक माइक्रो कैप हुआ करते थे। तो अगर आपको उनके जैसा बनना है तो आपको स्टॉक्स को उनके अर्ली स्टेज में रिकग्नाइज करना पड़ेगा, जब वो कंपनी बहुत छोटी है तब आपको रिकग्नाइज करना पड़ेगा उन स्टॉक्स को, और तब जाके आप एक बड़ा रिटर्न उसमें बना सकते हैं। माइक्रो कैप्स का मतलब पेनी स्टॉक बिल्कुल नहीं होता। स्टॉक मार्केट की सबसे कचरा कंपनीज को पेनी स्टॉक कहा जाता है। माइक्रो कैप वो कंपनीज होती हैं जो अभी अनरिकग्नाइज होती हैं, मतलब ज़्यादा लोग उसके बारे में बात नहीं कर रहे होते या उस कंपनी के बारे में जानते नहीं। तो ये वीडियो आप अपने हर उस फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं या अपने हर उस रिलेटिव के साथ शेयर कर सकते हैं जिन्हें लगता है कि वो लार्ज कैप या हाई एंड मिड कैप्स में पैसा लगा के अपने पोर्टफोलियो को बहुत बड़ा कर सकता, ताकि उन्हें ये पता चले कि असली पैसा कहाँ बनता है। चलिए अब हम अपने स्टॉक पे आ जाते हैं। अब क्योंकि आशापुरा माइन कैम ऑलमोस्ट 3x हो चुका है तो ये थोड़ा सा एक आध महीने का ब्रीदर ले सकता है, और इस ब्रीदर लेने के बाद आशापुरा माइन कैम एक नई जर्नी स्टार्ट करेगा जो उसके ऑल टाइम हाई के आसपास होगी। और मुझे लगता है कि 450 जो उसका ऑल टाइम हाई है वो दिसंबर 2023 से पहले आ जाना चाहिए, और अगर वहाँ आ जाता है तो हमें लगभग 4.5x का रिटर्न बनेगा 8 मंथ के टाइम फ्रेम में, जो कि काफ़ी सुपर्ब होता है। और जैसे कि आशापुरा माइंड कैम के वीडियो का हमारा थंबनेल था कि ये मल्टी बैगर है या नहीं, तो आशापुरा माइंड कैम ने अभी ये साबित कर दिया है कि ये मल्टी बैगर है, क्योंकि ये ऑलरेडी अभी 3x चल रहा है। तो आप इस स्टॉक के साथ बने रह सकते हैं। कंपनी का फंडामेंटल हर 3 महीने में बदलता है, तो फिलहाल नेक्स्ट क्वार्टर के जो रिजल्ट आएगा होपफुली वो अच्छा ही आएगा, लेकिन कंपनी के टेक्निकल तो हर दिन बदलते हैं। तो अगर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसे 450 आना है, लेकिन कोई भी चीज़ वन शॉट में नहीं चलती, तो उसी हिसाब से इसको वहाँ तक आने में समय लगेगा। तो आप इसे होल्ड करके रख सकते हैं एक स्टॉप लॉस के साथ, जो भी आपको सूटेबल लगे वो स्टॉप लॉस आप इसमें लगा सकते हैं। बाकी नेक्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट में हम इस स्टॉक को फिर देखेंगे कि इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है, उसके हिसाब से हम एक और वीडियो इसके लिए लेके आएंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, नहीं लगा है तो डिसलाइक कीजिएगा। मैं फिर आऊँगा आपके सामने कुछ अच्छे स्टॉक्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।